आतंकवाद से माओइस्ट इलाका है, नक्सल इलाका है, ऐसे इलाकों को जोड़ने की भी प्राथमिकता एक प्रकार से भारत सरकार की है। तो मलकानगिरी के लिए पहली रेल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट होगा, जिससे मुझे विश्वास है वहाँ के औद्योगिकरण, वहाँ की विकास में भी बहुत सहायता होगी और जो माओवादी गतिविधियाँ उसको रोकने के लिए भी पुलिस कर्मियों को, सिक्योरिटी फोर्सेस सबको इसका रेल का लाभ मिलेगा। इसमें 31 लाख मैंडेज का सीधा सीधा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो एक प्रकार से ये 6 प्रोजेक्ट 11,661 करोड़ 11,661 करोड़ रुपीस, नियरली $2 बिलियन की लागत से 881 किलोमीटर्स, 881 किलोमीटर का काम होगा। 4 राज्यों में होगा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और 211 लाख मैंडेज। आप अपने आप में सोच सकते हैं कितना बड़ा काम होगा, 211 लाख मैंडेज का इसमें सीधा काम करने की, जनरेट करने की पोटेंशियल होगी। आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय जो कैबिनेट में लिया गया वो था कोल विभाग से जुड़ा हुआ कमर्शियल कोल माइनिंग का मेथडोलॉजी फॉर ऑक्शन को आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी। कमर्शियल कोल माइनिंग, मैं समझता हूं जब हमने कोयले की नीलामी का नया कानून 2014 के अंत में लाए थे और फिर 2015 मार्च में स्वीकृत किया था पार्लियामेंट के दोनों लोकसभा राज्यसभा में, तब उसका एक महत्वपूर्ण अंग था कमर्शियल कोल माइनिंग। भारत में वैसे तो भारत सरकार की कंपनियां और कुछ कुछ राज्यों की कंपनियां कोल माइनिंग प्रमुखतः करती हैं, साथ ही साथ एंड यूज रिस्ट्रिक्शन के साथ कोल माइंस काफी मात्रा में ऑक्शन किए गए हैं, जिसमें विद्युत विभाग, एनर्जी, पावर, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, अलग अलग एंड यूज के लिए लोगों ने अपनी कोल माइनों को नीलामी से अभी